एन ऑफिसर ज्वाइन करें, नॉट ओनली आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी में। तो अभी जो चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। प्लस टू में आपके सब्जेक्ट आर्ट्स साइंस कॉमर्स अलग अलग है, जैसे आपके सब्जेक्ट है उस हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद आप आर्मी नेवी या एयरफोर्स में अलग अलग ब्रांचेस में सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हो। बट कंडीशन ये है, चॉइस आपका होगा, सिलेक्शन हमारा होगा। हमारा मतलब इंडियन आर्मी का एसएसबी बोर्ड आपको सिलेक्ट करेगी, बट कंडीशन ये है कि आपको ग्रेजुएशन में उसके लिए अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। मार्क्स लाने का मतलब क्या है, चीटिंग करके नहीं, हार्ड स्टडी करके, ठीक है, सेल्फ स्टडी करना, अच्छे से मार्क्स लेके आना। ग्रेजुएशन के बाद आप जैसे ग्रेजुएट होते हो या फाइनल ईयर में हो तो आप यहाँ पे जाके वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करोगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे आप कराओगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका सब्जेक्ट है उस बेसिस पे आपको इंक्रीज शो होगी, वहाँ पे भी आप इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, अदर ब्रांचेस है, हमने दोनों ही बांटा आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा सीडीएस कंबाइंड का, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप कॉलेज में जाते हो प्लस टू के बाद आप एनसीसी ज्वाइन करो, चाहे एयर विंग, आर्मी विंग या नेवल विंग। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप डायरेक्ट सी सर्टिफिकेट लेके इंटरव्यू के लिए एसएसबी इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, आप एग्जेम्प्टेड होंगे रिटर्न एग्जाम से, बट कंडीशन ये है कि आपके ग्रेजुएशन में मोर देन 50% मार्क्स होने चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में 3 साल होते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीनों ईयर्स में आपके मोर देन 50% मार्क्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के होने चाहिए। एवरी सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, जितने आपने किसी ने पास कोर्स किया होगा, कोई ऑनर्स है या सप्लीमेंट्री के सब्जेक्ट होंगे, हर एक पेपर में आपके 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और जब फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट बनेगा तो ओवरऑल आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% से ऊपर अगर है तभी आप अपने यूनिट में जहाँ से आपने एनसीसी किया है एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, वहाँ से आपकी एप्लीकेशन आर्मी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर और नेवल हेडक्वार्टर में आएगी, वहाँ से आप शॉर्टलिस्ट होंगे और आपका कॉल आएगा। मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए एप्लीकेशन में, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे बेटा तभी आपके एनसीसी सर्टिफिकेट की मार्क्स सिलेक्शन होगा। बट अब उसमें किसको सिलेक्ट करेंगे, जिसके मार्क्स ज़्यादा उसको पहले आप कॉल करेंगे, और जिसके मार्क्स कम होंगे आप सोचा से 50% लेके आएंगे, तो आपका एप्लीकेशन ये है जैसे ही पढ़ा जाएगा। हम कहाँ से उठाएंगे, ऊपर से जो हायर है, तो याद रखना मार्क्स मैक्सिमम लाने की कोशिश करना, ठीक है। प्लस टू के एग्जाम में आपको गुड लक और अच्छे से एग्जाम दो और अच्छे से एक चीज और, इसमें किसी ने पूछा था हाइट का, कोई पूछा था ना, हाइट का आपके लिए कोई इशू नहीं है। इवन बेटा अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ग्लासेस के साथ भी कई एक आर्मी की ब्रांचेस है जो आपको इंडोर करती है, ठीक है। अगर आपको लगता है दिक्कत है आप डॉक्टर को चेक कराओ, बट अप्लाई करने से 1 साल पहले जो माइनर सर्जरी होती है आई की वो आप करा लो इंडोर होने से 1 साल पहले, ताकि आपकी आई साइड जो है जब तक आप इंडोर हो तब तक वो एडजस्ट हो जाए। तो टाइम फ्रेम दिया जाता है, अगर कोई भी सर्जरी करते हो तो बोलते ना इतना टाइम लेगा वो अपने आपको रिकवर करने में, आई के लिए मिनिमम 1 साल चाहिए आपकी आई सर्जरी को रिकवर होने में, नॉर्मल साइड में आने का, ठीक है। आपकी आई का कोई इशू नहीं, आपकी हाइट का कोई इशू नहीं, क्लियर।